का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक बैकड्रॉप है. कहानी एक आम लड़का जो मेरे जैसा 25 से 29 साल के जो लड़के हैं भाभी अभी की है और मीरा की है, जो अपने करियर के लिए इतने पैशनेट हैं, इतने उत्सुक हैं कि वो करियर को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं शादी को जो है पीछे छोड़ना चाहते हैं. लेकिन घर वालों से इतना प्यार है कि घर वालों की बात भी माननी है, उनको भी ख्याल रखना है, उनको भी ना नहीं कर सकते. तो एक एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक नाम दे दिया, तो जिसमें घर वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं. ये चीज देखते हैं आपने, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप दोस्त रहे कि खुश रह सकते हैं तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की क्या जरूरत है. अगर आपकी प्रायोरिटीज करियर नहीं है, आप चाहते फैमिली को भी उस तरह का आपको तवज्जो देनी है. जी बिल्कुल, इसीलिए इसी वही कहानी जो मुद्दा ये है बेसिकली कि इवेंचुअली आपको ये सोचना है कि खुशी आपको किस चीज़ से मिलती है. अगर आप अच्छे दोस्त बन के रहना चाहते हो और आपकी जिंदगी अच्छे से बहुत कट रही है तो आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे. लेकिन जब दो लोग मिलते हैं शादी, हाँ हो सकता है शादी, लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो बेसिकली उन दो लोगों की है जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं. जब मिले हैं तो समझ में आया कि हम दोनों की जो प्रॉब्लम एक जैसी है, कि आपको भी अपने घर वालों से प्रेशर है, मुझे भी अपने घर वालों से प्रेशर है, तो क्यों ना हम इसका एक हल निकाल लें. इससे घर वाले भी खुश हो जाएंगे. काफी मिलती है जी, तो वो दोस्त बन जाते हैं और उस सिले से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट. ये दोस्त कब एक होने आ जा रहा है, देखिए इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. शो नहीं जी, ये तो अभी हमको खुद भी नहीं पता है, आप कहीं को आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा. लेकिन कहानी देखिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है, बहुत सारी किस्से होते हैं, बहुत सिचुएशन निकल कर आती हैं और बहुत मज़ेदार किस्से निकलेंगे इसमें से जो आप खुद रिलेट कर पाएंगे. आप कहेंगे यार ये तो हमारी फैमिली भी कभी कभार ऐसा होता है, या हमारा भतीजा ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है, वो भी शायद इसी दौर से गुजर रहा है, तो उसको देख के बड़ा मज़ा आएगा. और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के वो भी बहुत रिलेटेबल हैं, तो वो बड़े मज़ेदार किस्से होते हैं जब साथ में रहते हैं और साथ में हम चुपके चुपके जो चीज़ें करते हैं और चुपके चुपके उसमें से जो बाहर निकलते हैं उसमें से आपको बहुत खुल खुल के मज़े आएंगे. यूथ को क्या मैसेज दे रहा है आपका सीरियल? जी यूथ को मैसेज तो ये बेसिकली मैं फिर वही कहूँगा कि हमारा ये नहीं, हम आप कोई प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को आगे बढ़ावा दीजिए. ये एक सिचुएशन है जो हर यूथ अपने अपने इस वक्त गुजर रहा है, उसको कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर है घर वालों से कि आप शादी कर लीजिए. पहले आप जानते होंगे, पहले आपको पता ही होगा कि शादी शायद 20-21 साल में हो जाती थी या 22 साल में हो जाती थी, और लड़की तो 18-19 साल की हुई तो शादी हो जाती थी. अब थोड़ा दौर बदल गया, हम लोग 25-30 साल तक इंतजार करते हैं, लड़की भी थोड़ा इंतजार करती है, तो प्रेशर लेकिन बहुत होता है घर वालों से कि शादी क्यों नहीं कर रहे. लेकिन उनकी अपनी जगह पे वो सही होते हैं कि भाई हमें अपना करियर जो है उसके बारे में सोचना है, कि एक बार हम सेटल हो जाएं तो आगे की ज़िंदगी है जो थोड़ी और अच्छे से गुजर जाएगी. तो उस जद्दोजहद में हैं यही दोनों लोग हैं और जो बाकी लोगों से भी रिलेट करता है. और इस जद्दोजहद से बाहर निकलने के लिए जो बड़े वो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग में खुद ही फंस जाते हैं, वो बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है.